खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले, प्रदेश में मची तबाही पर सरकार ने किया दुख जाहिर, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं की व्यक्त। हिमाचल प्रदेश के 75वें गठन दिवस पर हमीरपुर के बंबलू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हमीरपुर सर्किट हाउस, अनुराग ठाकुर ने किया जनसभा को संबोधित। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, आप प्रदेश प्रवक्ता संजय संधु ने कहा चुनावों को लेकर बौखला गई है भाजपा, सिसोदिया के घर CBI रेड को बताया चुनाव से प्रेरित। बिलासपुर के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने किया मीडिया को संबोधित, संबोधन के दौरान संख्यान ने कहा प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, साथ ही एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शिमला ग्रामीण की 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों रोहडू, रामपुर, जुब्बल और शिमला ग्रामीण के प्रभारी क्रिस्टाफर तिलक ने कहा है कि शिमला ग्रामीण में विधायक विक्रमादित्य सिंह की जीत का मार्जिन कम से कम 15,000 से ऊपर का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव क्षेत्र प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का रहा है, जिसे वर्तमान में विक्रमादित्य सिंह संभाल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला ग्रामीण की आम सभा को संबोधित करते हुए क्रिस्टाफर ने कहा कि देश और प्रदेश के राजनीति में वीरभद्र सिंह का एक बड़ा नाम रहा है और शिमला ग्रामीण के नेतृत्व प्रदेश के लोकप्रिय युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं। Without strengthening the economy, you cannot create employment. And without employment, there is no empowerment. So, BJP, what they are doing is they are diverting based on religion, caste, Ram Mandir and various other aspects, using all sentiments. Sentiments bahut zarurat hai, but sentiments kana nahi de sakta. Theek hai? So, pehla economy ko itna barbad kiya hai, pichla 8 saal mein, theek hai? दूसरा पॉइंट है, हमारा देश में 65% बिलो 35 ईयर्स है, मतलब ये यंग कंट्री है, यंग कंट्री के लिए दिशा कौन सा दिशा में हम जा रहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह अभी क्या है तो युवा लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा, सो बिना नौकरी ये लोग पूरा नेगेटिव फोर्स हो सकता है। देखिए, जो लड़ाई लड़नी है जमीन स्तर पर वो तो कार्यकर्ताओं ने ही लड़नी है, हम तो आएंगे बीच में भाषण देंगे और वापस चले जाएंगे, मगर जो फ्रंट फुट पे रहकर जो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो हमारे कार्यकर्ताओं की होती है, इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखना हमारा दायित्व है, साथ ही साथ उनका ख्याल रखना भी हमारा दायित्व है। चुनावों के समय ही उनका इस्तेमाल ना हो, उसके बाद जब सरकार बने तो उनका हम ख्याल रखें, उनको हम मजबूत करें, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी जो हमारे फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल के हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पंचायत कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता है, उनका ख्याल रखना हमारा दायित्व है और हम उनको ख्याल भी रखेंगे और उनका एक परिवार की तरह उनका उत्थान के लिए हर संभव प्रयास।
जिला परिषद सिरमौर की त्रिमासिक बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय नाहन के जिला परिषद भवन में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष सीमा काल्यान ने की है, जबकि जिला के एडीसी मनीष कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। बता दें कि पिछले 3 से 4 बैठकों में जिला परिषद सदस्यों द्वारा रखी गई जनसमस्याओं को भी अभी तक नहीं निपटाया गया। इस मामले में भी कई विभागों के अधिकारियों की बैठक में क्लास लगाई गई है और सख्त शब्दों में इस दिशा में कार्रवाई करने की बात कही गई है। पंजाब सरकार दी हदायतां ते सीनियर अफसरां दे हुक्म दे मुताबिक असी जिहड़ी इह हरेक महकमे दे विच इह चैकिंग कर रहे हैं, जिथे भी सानूं किते कोई हुंदा है। इह जिहड़ी चैकिंग असी अज कीती आर टी ए दफ्तर दे विच कीती है, इह रूटीन दी चैकिंग जिहड़ी इह कीती गई है। जे इहदे चों कुछ सानूं कुछ अगे कुछ मिलदा है तां फर्दर उहदे उत्ते जो कानूनी कारवाई बनदी कीती। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग पारथी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अब केंद्र की बीजेपी सरकार बौखला गई है और सीबीआई और ईडी के माध्यम से आप नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप नेता किसी भी कार्रवाई से नहीं डरने वाले। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को प्रदेश में दूसरी गारंटी देने के लिए मनीष सिसोदिया ऊना आएंगे। वहीं अनुराग पारथी ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि प्रदेश में जब सैनिटाइजर पीपी किट घोटाला और नकली शराब से लोगों की मौत हुई थी तो उस दौरान सीबीआई ने क्यों कार्रवाई नहीं की। विरोधियों का दीवाने की जो है एक साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से भाजपा का विकल्प और मोदी जी का विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के माध्यम से और केजरीवाल जी के माध्यम से आगे आ रहा है। साफ बात है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं वो मोदी जी बनाम और केजरीवाल जी होने वाले हैं, और केजरीवाल जी की जनता में पकड़ बढ़ती जा रही है और उस पकड़ को रोकने के लिए मोदी जी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है कि वो काम के आधार पर आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये लगातार पार्टी की गारंटी है, वो काम की गारंटी देती है, वादे नहीं करते। वादे झूठे हो सकते हैं, गारंटी झूठी नहीं हो सकती। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश भर में जो भारी तबाही मची है उसको देखते हुए ये मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई थी और प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश में मची इस तबाही पर दुख जाहिर किया है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। बता दें कि ये जो बैठक रखी गई थी तमाम तरह के निर्णय इसमें लिए गए हैं। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों की मृत्यु स्थिति में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये की राहत देने का निर्णय लिया गया है। और भी कई तरह के जो निर्णय हैं लिए गए हैं। अनुबंध कर्मचारियों की बात करें तो अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जिसमें हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण और कई स्थानों पर बादल फटने इत्यादि के कारण 32 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, 6 लोग मिसिंग हैं जो पानी में बह गए या कहीं दबे हैं, जिनके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो 12 लोग इंजर्ड हैं। मंत्रिमंडल ने मृतक व्यक्तियों के
दुखद और असामायिक मृत्यु के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है और इनके परिवार हैं उनके लिए ईश्वर से कामना की है कि वो दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, सहायता मुआवजा जो है वो उसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की इस बैठक में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव संचालन समिति का गठन कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बनाए जाने वाले 18 विभागों का गठन किया जाएगा और उन्होंने बताया है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ कांग्रेस की नाकामियों को भी जो कांग्रेस की नाकामियां हैं उनको लेकर भी जनता को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर भाजपा आगामी चुनाव में मिशन रिपीट को सफल बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2022 के अंत में होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार संगठन का काम निरंतर चलता जा रहा है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से पूरी पार्टी मिलकर के एकजुट होकर के व्यवस्थाओं का संचालन करेगी। प्रदेश स्तर के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए लगभग 18 विभागों का गठन किया जाता है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ मिलकर के वो सारे विभागों का गठन होगा और तदनुसार पूरी टीम चुनाव संचालन के लिए चुनाव प्रबंधन के लिए लगेगी। किसी भी प्रकार की कमी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए नहीं आने दी जाएगी। उसको सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, कांग्रेस की नाकामयाबियां हैं, वो सारे विषय नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रिंट, सोशल जो भी मेथड्स होते हैं उनका उपयोग करने के लिए हमारे कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सज्ज किया जाएगा ताकि वो घरों में संवाद करते हुए चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तित। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय संधू ने जो है विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया गारंटी की घोषणा करते हैं और 19 अगस्त को उनके घर सीबीआई आ जाती है। ये एकमात्र आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और हिमाचल में भी ऐसी ही शिक्षा क्रांति चाहिए। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश में चुनाव का समय है और भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट में नजर आ रही है। जैसे कि मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई और आईडी ने रेड की लेकिन आखिर उन्हें कुछ नहीं मिला, तो जैसे कि आने वाले समय प्रदेश में चुनाव का समय है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखलाहट में काम कर रही है। गुजरात और हिमाचल इन्होंने अपने लिए एक इशू बना दिया है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री भी गुजरात से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल से संबंध रखते हैं। जिस तरह लगातार हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो स्वाभाविक है कि इनकी बौखलाहट होनी स्वाभाविक है। और दूसरा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से कि देखिए बरसात की भेंट 8 जिंदगियाँ चढ़ती हैं गोहर में और आप उनको 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा करते हैं।
बड़े दुख की बात है, जो लोग शराब पी के मरे हैं उनको आप 8-8 लाख रुपया घोषणा कर रहे हैं, और जो बेचारे प्रकृति की भेंट, प्रकृति द्वारा जो कहर बरपा है, बरसात की भेंट चढ़े हैं, उन्हें आप 4-4 लाख रुपया दे रहे हैं, जबकि शराब वालों को 8-8 लाख रुपये की घोषणा कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत हो रहा है। देखिए मुद्दे जनता सब जानती है, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार हिमाचल में अवश्य बनाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जब से देश भर में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, तभी से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है, और प्रदेश में भी हजारों परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जिन परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, उन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा, और कुल्लू में भी 17,000 और 500 से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बता दें कि राम सिंह ने कहा है कि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करने के लिए बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू आएंगे और परिवारों को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। मंत्री विशेषकर जो गृहिणी सुविधा योजना, जिसके अंतर्गत माताओं को, बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए, उस उपलक्ष्य में कल यहाँ आने वाले हैं, और यहीं से पूरे प्रदेश के जो भी लाभार्थी इस गृहिणी सुविधा योजना से हुए हैं उनसे वो संवाद भी करेंगे। जहाँ तक मैं कुल्लू ज़िला की बात करूँ, डबल इंजन की सरकार उज्ज्वला योजना के बाद गृहिणी सुविधा योजना, जिसके पास भी गैस कनेक्शन नहीं थी, जिस परिवार के पास भी नहीं, उसको गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाए, इसमें कुल्लू ज़िला में 17,559 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, और इसके साथ साथ जो 2 गैस कनेक्शन रिफिल करने थे उसको भी मुफ्त दिया गया। उसमें 15,704 जो पहली उन्होंने गैस जो रिफिल की, वो 15,704 लोगों ने उसका लाभ लिया, और दूसरे में 6,866। और जहाँ पर मैंने कहा कि भाई 17,559 लोगों ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत कनेक्शन लिए, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत कुल्लू ज़िला में 11,696 लोगों ने लिया। और इसी के साथ कई प्रकार की योजनाएं केंद्र व प्रदेश सरकार की, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, हिम केयर हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, पेंशन योजना हो, हाउस ग्रांट हो, चाहे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना हो, इसके अंतर्गत इतनी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं लोगों उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि मेरी सरकार गरीब, मजदूर, युवा, महिला, किसान, बागबान, दलित, पिछड़े, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए समर्पित सरकार है, वैसे ही हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उन्होंने उन योजनाओं को, जो जो उससे व्यक्ति छूट रहे थे उनको अलग से हिमाचल प्रदेश की योजना उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट की, और उसका लाभ लोग ले पा रहे हैं। और कल विशेष रूप से गृहिणी सुविधा योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, और 10 से 15,000 लाभार्थी उसमें भाग लेंगे। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल को बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए राज्य में बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ कई बैठकें की गई हैं, और मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा है कि 4 ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग ढांचे से नहीं जुड़े हैं। मैंने बैंक संवाददाताओं से अनुरोध किया है कि वो इन गाँव में दिन में 4 घंटे बैठकर काम करेंगे। ये पहल इन गाँव को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 3500 रेहड़ी पटरी वालों को सरकारी योजना से जोड़ा गया है, जिसके तहत उन्हें अपने व्यवसाय के लिए 10,000 से 50,000 तक की राशि मिलती है। ये पंजीकरण बहुत कम है, इसे जल्द से जल्द हम बढ़ाएंगे। इसी के साथ जब मैं रिव्यू लिया तब पता चला कि इस हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके सिर्फ 3,500 लोगों को बेनिफिट मिला है, यानी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम से 10,000 से लेके 50,000 तक राशि मिलती है, और उनके ऊपर वो डेली काम कर सकते हैं। लेकिन
रजिस्ट्रेशन कम होने के वजह से 3,500 को पैसा मिला है, वो बढ़ाने के लिए मैं बैंक अधिकारी को आदेश दिया है। उसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड जो फार्मर्स के लिए बहुत ही यूजफुल स्कीम है, जिसमें 3,00,000 तक राशि कम इंटरेस्ट में मिल सकती है। इस स्टेट का रिव्यू लेने के बाद पता चला कि सिर्फ 4,50,000 लोगों को ये किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। उसी में भी बढ़ावा लेने के लिए मैं जो यहाँ की कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हर देहात में जो सोसाइटी के चेयरमैन रहते हैं, चेयरमैन का तहसील लेवल तक एक प्रशिक्षण लेना, और प्रशिक्षण लेने के बाद ये किसान क्रेडिट कार्ड ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से बैंकों को आदेशित किया है और देने का भी प्रयास किया है। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत बड़सर क्षेत्र के बंबलू में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं हमीरपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया है, और उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि इस समारोह की सफलता के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को भी संबोधित किया है और विपक्ष को अपने निशाने पर लिया है। केजरीवाल जी शराब घोटाले के अलावा बाकी सब चीजों पर बयान दे रहे हैं। शराब घोटाले पर उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया। बार बार प्रश्न पूछा मोहल्ला क्लिनिक से, मोहल्ला ठेका, ये केजरीवाल मॉडल। स्वराज से शराब राज, ये केजरीवाल मॉडल। पैसा दो ठेका लो, ये केजरीवाल मॉडल। और बाकी सबको छोड़कर शराब घोटाले में लगो, ये केजरीवाल मॉडल। आरोपी नंबर वन मनीष सिसोदिया जी और किंग पिन केजरीवाल जी शराब घोटाले के अलावा बाकी सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। जनता ये जवाब मांगती है, और 24 घंटे का समय दिया था, 48 घंटे से ज़्यादा बीत गए, उसके बावजूद कुछ नहीं बोले। कब तक नहीं बोलेंगे? चंबा के डीसी दुनीचंद राणा ने चंबा शहर के इतिहास के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि चंबा शहर का इतिहास 1000 साल पुराना है और भरमौर का इतिहास 1500 साल पुराना है। चंबा शहर में कई ऐसे प्राचीन हेरिटेज हैं जहां की खूबसूरती को उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। चंबा शहर के पुराने मंदिर और अधिक खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उन्हें पर्यटन की दृष्टि से और विकसित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। डलहौजी के अलग क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं ताकि इन पुराने हेरिटेज को विश्व मानचित्र पर लाया जा सके और चंबा जिला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। चंबा शहर जो है वो 1000 साल से ज़्यादा पुराना है, और अगर हम भरमौर की बात करें तो भरमौर 1500 साल से ज़्यादा पुराना है। और यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भरमौर का 84 टेम्पल है। इसके अलावा चंबा शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो बहुत पुराने हैं, और उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। ये सारे जो हमारा इतिहास है, जो हमारा हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे हमारे मंदिर हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन हैं और उनका रखरखाव करता है। हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो हेरिटेज वॉक्स जो हैं, पीछे हमने शुरू की थी चंबा टाउन में, उसी पैटर्न पे डलहौजी में भी हेरिटेज वॉक्स का आयोजन किया गया है। एक हेरिटेज वॉक अभी GPO से लेके पंचकुला, जो सरदार अजीत सिंह जी की समाधि है, वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज की गई, एक बकरोटा में ऑर्गेनाइज की गई। मुझे लगता है हेरिटेज हमारी धरोहर है, विरासत है, और वो टूरिज़्म का भी उसका पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ के लिए देखने के आते हैं कि उस क्षेत्र में क्या पुरानी चीज़ें हैं, उस क्षेत्र का कल्चर क्या है, उस कल्चर का हेरिटेज क्या है, वहाँ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको देखा जाए।
और चंबा में इसकी भरमार है और मुझे लगता है इसको टूरिज्म के साथ लिंक करने की आवश्यकता। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।